दादी राम राम है। राम राम बेटी। नु बता तेरी पोती ने नेट क्लियर करा, कितनी क्या खुशी हो रही है। खुशी के बेटी, मेरी तो उम्र और बढ़ गई, मैं तो बहुत राजी हो रही। सो मेरी पोती दोनों रात मंडी रही, बालका ने भी मन नहीं जान दें छोरी दौरा ना जाइयो। अच्छा। मेरी बेटी ने पोती ने खबात बहुत करी से बेटी, पूरा हरियाणा में पूरे देश में नाम रोशन कर दिया तारा, नाम रोशन कर दिया मारा। तो मेरी पोती ने मैं बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मेरी पोती ने, मैं तो उम्र और बता दी। इबे इतनी खुशी हुई या फिर पहले भी हुई थी जब पढ़िया कर दी। पढ़िया कर जब भी खुशी थी, उदन गई न उड़ा। अच्छा। उदन तो मन काली से आई, छोरी तो दूर गई, जी को लग गया मेरा। बेटी का धन्यवाद, बेटी का। हाँ, फिर या फोन करे गई। अच्छा। मेरा फिर खुशी होगी, मामा का पढ़ ले बेटी, मैं तो ठीक सू। अच्छा। दादी तू कैसी है बेटी, मैं तो मैं ठीक सू। तू पढ़ ले, अपनी पढ़ाई में ध्यान रख, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक सू। दादी उम्र कितनी होगी अपनी? उम्र तो भाई मेरी 85 तो भी ऊपर हो रही गणी, 86 कर लो। अच्छा, कितनी उम्र बढ़ गई दादी पे? इव तो उम्र तो मेरी छुट्टी की बद गई, मेरी पोती की, मेरी पोती की खुशी में 100 तो जीऊंगी, देख ले। दादी नु दा कितनी पढ़ी है तू? मैं तो स्कूल नहीं देखा, किसा को ना देखा। मेरी पोती ने तो झंडा गाड़ी दे पूरे देश भर में। हां, मेरी पोती ने तो खबात पूरी मारे, छाठ देखो बात इसी पोती की, हमने इसे तो ना थी ना। मेरी पोती पढ़ी बहुत बढ़िया पढ़ी, पर जोर लाया पढ़ा। दादी तने पोती खुशी हो रही आज पढ़ी है, फिर तेरी भी तो खुशी होंगी, तू क्यों नहीं पढ़ी? जब तक थे को नहीं सकूँ, हम स्कूल न मास्टर न कुछ भी नहीं था। अच्छा, नहीं पढ़ती तुम भी? एक बामना का छोरा आड़ पर से वहाँ पढ़ान लग गया था, हमने कुन दे यू क्यों रे रोड़ा हा। अच्छा। नहीं तो कुछ नहीं था, मेरी छोरी पढ़ गई को भी ये को एम में पढ़ाई न रोड़ा क्या कर दे और यू रोड़ा के और ऐसे। अच्छा। कि मैं था ये कौन, स्कूल भी कौन था। अच्छा। मेरी माँ ने किला दिया था स्कूल में, मेरी माँ का किला में स्कूल बनाया था। अरे हाँ, छोरी सुमा की छोरी सुमा। अरे मेरी माँ ने किला दिया स्कूल में, जब आ रहा स्कूल 5 का बना था, आज यू 12 का जा रहा है स्कूल। दादी छोरी ना के पास करिया जो आज लड्डू खुआए घर पास, कौन सा पेपर पास करिया बेबे ने जो लड्डू खुआए? ये तो मन कहने को नाम देना। हाँ, पढ़े हो तो कह दे, मन तो कहने नहीं आंदे। अच्छा, हम खुशी हो रही है सुनिए। खुशी नहीं हो रही, बता दे छोरट। अच्छा। अरे के था इस उड़ा उड़ा तो पास हो सा, इतनी न्यू लंबरा तो हो सा, न्यू हो सा, सारे पूछे जाऊँ। बहुत खुशी हुई, फिर बहुत राजी हुई, मेरी पोती ने नाम रोशन कर दिया मेरे बालका का। हाँ, बहुत खुशी हुई मेरे, खूब दाम। छोटे बालक दादी वहाँ किसे पढ़े हैं? छोटे बालक ये लोग तो ठीक चल रहे, सागे की भगवान जाना, ये लोग तो जमा ठीक चल रहे। हाँ, पोते बतेरे 14 पोते मेरे, 7 मेरे बेटे हैं, मेरे बहुत सब भगवान के। एक तो उड़ा जा लिया पोता, दूसरा देश में कि जा रहा है, अरे वो जर्मनी। अच्छा, जर्मनी में। हाँ, अरे एक मेरा उड़ा जहाज जमजाला गया पोता, एयरफोर्स में मेरा पोता, और सारे स्कूल में जामस पढ़ा है, सारे बालक मतलब पढ़ा पढ़ा दिए, क्योंकि बुआर भी सारी पढ़ रही। चार छोरी मेरा बी ए में कर रही, बोले पुलिस का नंबर आया था। अच्छा। वो आगलान बांगर के थे लागना को दिया। दादी पर तेरा जी करा जा तू जम घूम फिर जान में? ईब तो नहीं करता, पहले तक चली घूमे आंदी सारा। अच्छा। ईब को नहीं करता, ईब तो मैं थक ली, ईब या छोरी पकड़ के लिया यार, ती भी चलन की आसन को थी। तन्नू गोवा नु का मैं घुमा के लियाऊंगी दादी ने। या तो वो माल्या होगी के रखी तन्नू तो, या तो मसूर होगी, या तो घुमा लिया होगी, या तो सारा किते भी ले जा सका है। आशीर्वाद भाई तन्नू पद पूरा सा। दादी तन्नू के करेगी आगे? तन्नू नौकरी ड्यूटी करेगी, नौकरी करेगी। क्या की नौकरी करेगी? मन्नू तो बेरा नहीं, देश की सेवा करेगी, देश की सेवा करेगी, देश की नौकरी करेगी, देश की सेवा करेगी। जो किला दान करा उसे ही मेहरबानी है। बस मैं ला लो बेटा, मेरी मां तो किला दिया था जब स्कूल बना था इस गांव में, पहला स्कूल उसे किला में बना था, उससे किला में बना था पहला स्कूल। पहला और कड़े जाए बालक पढ़ने दे रहे कितने भी नेक परिस में पढ़ा करते। एक बण जा था बामना की छोरी का छोरा, और वो बैठा करता परिस में दो एक बालका ने, फिर यू सब मेरी मान किला दिया, फिर 5 का बना, फिर सर यू 12 का हो रहा।
पूरा स्कूल हो रहा था। हाँ हमारा किला बना था सरपंच मेम्बर गांव के। अच्छा। जींद ले गए थे मेरी माँ ने। अच्छा। जींद जाकर तरुआ का आई थी एक मेरा नाम तो उतरना चाहिए और स्कूल का नाम यू किला होना चाहिए। तरुआ आई थी दादी तो टेम बदल गया। ओ टेम बदल गया भाई ठीक हो सर। वो तो टेम कुछ होता प्रेम का टेम था इब तो कुछ जुगा रहा है ठीक हो सर। पहले तो छोरी अनजान भी नहीं दिया करते बार लेकिन इब तो भेज दे दादी। ना भेज दे सारा जाऊँ सर इब तो मेरी वाशा ज्योति से मेरी उड़ा जा सर जाजा मजार गाड़ी लेकर जा सारा कार लेकर। अच्छा। हाँ इब तो छोरी सारा जा है पढ़ लेकर आर्मी का मेजर सब बेटे वो उड़ा चली जा उड़ा तो आ जा जाजा में गाड़ी लेकर आ जा अपनी मान बैठा लिया वह असारत ठीक से मेरी बेटी भगवान की मेहरबानी से काम बहुत सुथरा चल गया हाल की घड़ी। दादी पहला छोरी ने पढ़न कौन दिया कर देगे अगर उन्हें तो पढ़ा। मेरी तो सारी बाड़ी सकुला हम सारी पढ़ी कोई बारह कोई दस कोई बीए कोई एमए सारे बाल काम ना नहीं एक अनपढ़ भी रखा फिर आगे इनके कर्म को घना पढ़ा को थोड़ा कुछ भी नहीं पहचान मानता युका का लौट सका का जब मेरी माँ पढ़ जाती ना मास्टर नहीं बनती कदे की अरे एक बड़ी छोरी है मेरी उसका इतना दमाक है नू कहता पढ़ जाती ना छोरी हद हो जाती बहुत दिमाग उसका भी ठीक से बेटे। तनु दादी ने बहुत ज्यादा खुश रही कि दादी की तो उम्र बड़ी और मैं तो उम्र बहुत बड़ी मेरी पोती ने मेरा नाम रोशन कर दिया मेरी पोती ने मैं बहुत खुशी हुई तो मेरे को बहुत खुशी है कि मेरी दादी का मैं नाम रोशन कर पाई और दादी को खुशी दे पाई परिवार में खुशी है पूरे परिवार में खुशी है तो बहुत खुशी है पूरा गाँव में खुशी का माहौल बना हुआ है तो बहुत खुश है मुझे। आगे क्या कुछ तैयारी चल रही है? मैं आगे अभी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक तो दादी से बात करके पता लग गया दादी और ने एक किला स्कूल खातर दान दिया था क्योंकि इससे पहले गांव में स्कूल कौन था जी तो दादी का कह था पढ़ना है लेकिन उस टाइम व्यवस्था कौन थी साधन नहीं थे लेकिन दादी की माँ ने स्कूल में किला दान दिया था बड़ी बात है। आज का टाइम देखा जो कोई एक एक इंच पर जो लठबाज है लेकिन दादी की माँ ने जमीन थी स्कूल खातर और उस स्कूल तय गांव के बच्चे पढ़े हैं शिक्षित हुए हैं बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं और इस घर में भी खुशी आई है शिक्षा आई है उसी की बदौलत है। दादी को किला दिया था वही काम आ रहा है ठीक है या तो क्या करें काम में आया करो धर्म पूर्ण कर आया बहुत अच्छा आगे काम में आया करे तो करना चाहिए दादी करना चाहिए जितना और क्या चल लगा गे लिया ये चीज चल लगी और कुछ नहीं चलता अड़े रह जाए दादियां तो तारे के लगे ही बाले को नहीं मान दे भाई भाई लड़ पड़े दो रुपया बदल दे बेटा कुल जगा रहा है कुल जगा खड़ रहा है कलयुग आ गया कलयुग आ गया कलयुग टाइम बदल गया टाइम बदल गया। तन्नू के ताऊ जी भी हमारे साथ है अंकल जी नमस्ते राम राम भाई ठीक सो हाँ बढ़िया ताऊ जी क्या कहना चाहोगे तन्नू ने जो पहली बार में नेट क्वालिफाई किया है और जेआरएफ क्वालिफाई किया है पूरा देश में 135वां स्थान हासिल किया है इसकी पढ़ाई के बारे में तो ये कहना था शुरू से ही केजी क्लास से ही पढ़ाई में होशियार थी शुरू दिन तो इसकी लगन पढ़ाई में थी जैसे जैसे पगान अगान पढ़ती गई उसे दिन रात इसने कोई खेलना कूदना सब नहीं पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखा इसने पढ़ती रही फिर आगे दसवीं करी फिर बीएससी में करी उसमें भी अच्छे नंबर लिए लखनवादरा स्कूल से कॉलेज में पढ़िया करती फिर यही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाकर इसने दोनों काम इकट्ठे करे हैं फिर ये कर फिर यही हासिल पर पहुंचे क्योंकि इसका एक ही मन था बस पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना इसका परिवार की तरफ से खुले छूट दे रखी थी खर्चा की भी और जो भी हेल्प चाहिए थी सारी हेल्प नुगा बड्डे तो पहले ही बताए थे बालक ने की सा बालक लिखड़ा पहले ही मेरा ताऊ की पढ़ाई की नाम रोशन करे इसका शुरू में बचपन तो मेरा पट गया था बचपन में इसका जो ज्ञान हौसला था ना इसका बचपन में खेल दिया ना देख लिया करते भाई पढ़ने की छोरी है पढ़ने में जी लाग जी मन लाकर पढ़िया कर दिया और स्वभाव किसा था स्वभाव बहुत नरम कदे गुस्सा नहीं देखा गुस्सा नहीं है नरम स्वभाव चलो ठीक है बहुत बढ़िया पढ़ाई में हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं आगे भी ऐसे ही चलती रहे। तो दादी के विचार बहुत अच्छे लगे हैं आपने किसे लगे हैं आपने कमेंट में अपनी राय देनी और इस वीडियो को शेयर करना है।